मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने मूलांक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मूलांक दो के बारे में। दोस्तों मूलांक क्या होता है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। मूलांक किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर दो है, महीना कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 मार्च 2002 है तो इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो होगी आपका मूलांक यानी कि दो। दोस्तों अगर इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 7, तो ये होगा आपका भाग्यांक। ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर इसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11, 20 और 29 है तो ये भी मूलांक दो के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 11 को टोटल करने पर एक और एक इसका मूलांक आता है 2, 20 का भी 2 और 29 को अगर टोटल करें तो ये आएगा 11 और 11 को अगर हम वापस टोटल करें तो ये आएगा 2। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन चारों में से कोई भी हो तो आप मूलांक दो के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों मूलांक दो का ग्रह स्वामी यानी कि मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा यानी कि मून, और आप सब लोग जानते ही हैं कि मून एकदम शांत स्वभाव का होता है और ठीक इसी प्रकार से मूलांक दो वाले लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। शांत स्वभाव के होने के बावजूद भी इन लोगों में एक बहुत ही जबरदस्त गुण होता है, वो ये कि इनकी विचार शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इनकी बुद्धि बहुत ही प्रबल होती है और मानसिक स्तर पर ये लोग बहुत ही स्वस्थ होते हैं, क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही कल्पनाशील होते हैं लेकिन ये कभी एक कार्य पर स्थिर नहीं रहते, क्योंकि रचनात्मक स्वभाव के कारण इनका दिमाग हमेशा नए नए आइडियाज नए नए विचार सोचता रहता है और इन्हीं विचारों के कारण ये कभी भी एक कार्य पर स्थिर रहकर काम नहीं कर सकते। हालांकि ये लोग विचारों को साकार करने का प्रयास जरूर करते हैं, इन लोगों को गुस्सा कभी नहीं आता है, लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और अगर इनको गुस्सा आ जाए तो इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही भयंकर गुस्सा आता है। इस ग्रह का स्वामी है भगवान शिव शंकर। तो ठीक जिस प्रकार से भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलने पर तांडव करते हैं, सब कुछ भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार का इन लोगों का गुस्सा बहुत तेज होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नाम बताऊं तो अमिताभ बच्चन का मूलांक भी 2 है और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का भी मूलांक 2 है, और उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से वो शांत स्वभाव के थे लेकिन गुस्सा आने पर उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया था। दोस्तों मूलांक दो वाले लोग अधिकतर शारीरिक हष्टपुष्ट नहीं होते और इन लोगों में आत्मविश्वास की भी थोड़ी कमी देखी गई है। हालांकि ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, किसी भी अनजान से दोस्ती करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। दोस्तों शिक्षा की अगर बात करें तो इन लोगों की शिक्षा अच्छी होती है लेकिन क्योंकि इनके मन में हमेशा नए नए विचार चलते रहते हैं, इन्हीं विचारों के चलते ये कभी कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और इस बात का इनके मन में हमेशा पछतावा भी रहता है। दोस्तों इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी ही होती है क्योंकि इन लोगों को पैसा जमा करने में बहुत संतुष्टि मिलती है, पैसे कमाकर धन को इकट्ठा करने में इनको खुशी होती है और इसी गुण के कारण इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इनकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को अगर शादी करनी है तो 2 और 7 मूलांक वाले लोग सबसे पहले श्रेणी में आएंगे। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो 3, 6 और 5, 3, 6 और 5 इन मूलांक वाले लोगों से भी ये शादी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थर्ड नंबर पे मैं रखता हूं नंबर 1 मूलांक वाले लोग। हालांकि इन सब मूलांक वाले लोगों से ये शादी करें तो इनकी जिंदगी अच्छी ही चलेगी, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट नंबर पर 2 और 7 को रखा है। मैं फर्स्ट नंबर 2 और 7 को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूं। इससे थोड़ा कम अगर हम बात करें तो 3, 6 और 5 और सबसे लास्ट में नंबर आएगा 1, क्योंकि 1 नंबर का स्वामी ग्रह है सूर्य और सूर्य का स्वभाव तेज होता है, लेकिन इसके विपरीत मूलांक 2 वालों का स्वामी ग्रह चंद्रमा होने के कारण इनका स्वभाव शांत होता है।
तो थोड़ी परेशानी इनको हो सकती है, लेकिन फिर भी इनके जीवन की गाड़ी चल जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों से इनको शादी नहीं करनी चाहिए। तो 4 और 8 मूलांक वाले लोगों से इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। 4 और 8 मूलांक इनके फ्रेंड मूलांक यानी कि दोस्त मूलांक अंक नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपकी शादी ऑलरेडी 4 और 8 यानी इन मूलांक वालों से हो गई है, तो इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूं। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई है, यानी कि मूलांक 1 वाले वीडियो में भी बताई है कि आप जल्दी से जल्दी मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो इसकी पावर से आपको बहुत फायदा होगा और आपका जीवन भी उतना ही सुखमय और उतना ही आनंदमय होगा जितना कि मूलांक 2 और 7 वालों से शादी करने पर होता है। दोस्तों मूलांक 2 वालों को अपने जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए अगर मैं रत्नों की बात करूं तो इन लोगों को पहनना चाहिए मोती यानी कि पर्ल। मोती धारण करना इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा स्वास्थ्य और समृद्धि यानी कि आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भी। और वैसे भी मोती एक बहुत ही अच्छा रत्न माना जाता है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप एक और रत्न धारण कर सकते हैं, उसका नाम है कैट्स आई। ये रत्न भी मूलांक 2 वाले लोग पहन सकते हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो ये लोग नौकरी कर सकते हैं। ये लोग औरों की बनाई योजना बखूबी पूरा कर लेते हैं, परंतु अपनी बनाई योजना अधिकतर इनके लिए बहुत अधिक सफलता नहीं देती है। दोस्तों मैं कुछ काम इनके लिए बताता हूँ जो ये लोग कर सकते हैं। ये लोग कृषि कार्य यानी कि खेती के काम, दूध पानी तरल यानी कि तरल पदार्थ का कोई भी काम ये कर सकते हैं। न्याय विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, वकील जज इस तरह का काम ये लोग कर सकते हैं। बैंक से संबंधित कोई भी कार्य, स्वास्थ्य विभाग से कोई भी रिलेटेड कार्य ये लोग कर सकते हैं। म्यूजिक राइटर और आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों मूलांक 2 वाले लोगों को मैं एक विशेष सलाह ये देना चाहूंगा कि ये लोग कभी भी पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, क्योंकि कभी भी पार्टनरशिप में अगर किसी भी तरह का वाद विवाद हुआ तो ये लोग उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव बहुत ही भावुक किस्म का होता है, तो ये किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या बहस करने में समर्थ नहीं है। एक और चीज का ये लोग ध्यान रखें कि अगर किसी परिस्थिति में इनको पार्टनरशिप में काम करना भी पड़े या कोई भी लेन देन का काम भी हो तो इन लोगों को सारे काम लिखित में करने चाहिए, यानी कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बनाकर ही काम करने चाहिए, क्योंकि अगर लिखा पढ़ी में पूरा काम होगा तो इन लोगों को भविष्य में धोखा होने का कोई भी चांस नहीं होगा। दोस्तों इन लोगों को एक और विशेष उपाय भी मैं बता देता हूँ कि इन लोगों को हमेशा शिव पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा आराधना अगर ये नियमित रूप से करेंगे तो इनके जीवन की हर परेशानी जरूर दूर होगी। तो दोस्तों ये थी मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में कुछ जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों मेरे इस तरह की वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं आपको सरल से सरल भाषा में ज्योतिष विज्ञान की पूरी जानकारी आप लोगों को सिखा सकूं, ताकि आप खुद से ही अपने बारे में पूरी जानकारी पता कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सभी लोग ये जानकारी देख सके। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है या आप मुझसे किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। वीडियो को अंत तक देखने का और मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।